नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 12th क्लास के छात्र छात्राएं ध्यान दें। अपन पढ़ रहे थे लेसन नंबर 5 अपना जो है वीर से कवि भूषण जी को पढ़ रहे हैं और मैं आपका अनिल सर लेकर हिंदी क्लास वापस आपके बीच उपस्थित हूँ। ध्यान दें कि हम पढ़ चुके हैं वीर से कवि में 3 जो उनके कविता है वो पढ़ चुके हैं। अब नंबर 4 की जो बारी है और भूषण जी जिनके बारे में बात कर चुके हैं कि ये वीरस के प्रसिद्ध कवि हैं, इनकी रचनाएं जो हैं वो वीरस में रची हुई हैं, इसलिए इनकी उपाधि भूषण जी की है। नाम इनका आप जानते ही हैं, घनश्याम के नाम से था। ध्यान दें कि हम जो नंबर 4 का कवित्व है इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और प्रत्येक शब्द का आपको अर्थ भी नोट करना ही होगा। इसमें उपमा अलंकार भी होना और उपमेय पे ध्यान देना होगा, कौन कौन से शब्द उपमेय है, कौन कौन से उपमान है। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको जिक्र कर दूं कि यहाँ पर क्या है कि जितने भी कथानक होते हैं, प्रसिद्ध जो यूं कहे उपमान होते हैं, ठीक है, उनका मतलब उनसे तुलना की गई है हमारे शिवाजी महाराज की जो रचना रच रहे हैं भूषण जी। तो भूषण जी ने क्या किया है कि जितने भी उच्च कथानक है, प्रसिद्ध जो उपमान है उनका और शिवाजी की बराबरी की बात की है। तो यहाँ पे बारीकी से करना हमारे को तो प्रस्तुत पद में वीरस के कवित्व भूषण जी जो वीरस में रचना रचते हैं उन्होंने शिवाजी की जो शान है, जो प्रतिष्ठा है उसको और अधिक बढ़त रखकर बताया है। तो क्या कहा देखिए, पहले नंबर पे चलते हैं नंबर 4 पे। देखिए इंद्र जिमी जंब पर बाढ़ जो अंब पर, प्रत्येक पंक्ति का तक चले पर इसको पूरे को रेट कर लेते हैं। ध्यान दें, रावण सदंब पर रघुकुल राज है, कौन वारी बाधा पर शंभू रतिना है, पर जो सहत बहाओं पर राम गुजराज है, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण तुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर कान्हा जिने कंस पर त्यो मलेच्छ वंश पर से शिवराज। ये जो जितने भी वाक्य हमारे कवित्व पढ़ रहे हैं वो कौन सी ध्यान दें, अगर पहले से इंद्र जिमी, इंद्र को आप समझते हैं भगवान इंद्र से या संकेत है भगवान इंद्र, जिमी जिमी का मतलब होता है जैसे, कि जिस प्रकार से भगवान इंद्र ने क्या किया, जंब जंब का मतलब लेंगे जंबासुर, जो एक दैत्य था, एक राक्षस था, बहुत विकराल रूप उनका था। तो जिस प्रकार से भगवान इंद्र ने जंबासुर का क्या किया, बाढ़, तो यहाँ देखिए या यहाँ तक लेंगे कि जिस प्रकार से भगवान इंद्र का जंबासुर का प्रभाव था, अर्थात प्रभाव तो क्या, भगवान इंद्र ने जंबासुर की बहुत अधिक जो धन्यता है, यूं कहे आपस प्रवृत्ति बढ़ गई थी और वो सभी देव ऋषियों को परेशान कर रहे थे, ऐसे में भगवान इंद्र ने उनको भस्म कर दिया, मौत घटा के समाप्त कर दिया, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे पिछले प्रश्न दिया कि बाढ़, बाढ़ का मतलब होता है बड़ वाकिन, बड़ वाकिन भी बोल देते हैं, बड़ वाकिन बोल देते हैं, ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्यों होता है ये देखने वाली बात है। बड़ वाकिन 3 प्रकार की आप बताइए हिंदी के माध्यम से, एक होती है वर्ड वाकिन, जो यहाँ पे बाढ़ लिखा है ना वर्ड वाकिन समझेंगे, इसका मतलब होता है समुद्र या पानी में लगने वाले आग, सोचने वाली बात है। वर्ड वाकिन समुद्र पानी में लगने वाली आग होती है। एक होती है दावानल, ठीक है, दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग, पेड़ पौधे में लगने वाली है, दावानल कहते हैं। वर्ड वाकिन का मतलब पानी या तालाब समुद्र में लगने वाली आग होती है। जो है जिस प्रकार अम्बक अम्बल पानी पर के मुख पर, ध्यान रखना जिस प्रकार से भगवान इंद्र ने जंबासुर पर प्रभाव रखा, जंबासुर ने दिन रखा या उसे मौत घाटता समाप्त कर दिया, ठीक उसी प्रकार से जो समुद्र की आग होती है वो पानी को सोख कर उसका नाश कर देती है, यानी यूं है उसे अनिष्ट कर देती है, साफ कर देती है, ठीक है। नंबर आगे रावण सदंभ पर, रावण की बात करें तो यूं कहें कि बुद्धि कुटिल या अज्ञानतावश जो रावण थे, रावण की जो दुष्टता थी, दुष्ट प्रवृत्तियां थी, उन प्रवृत्तियों पर क्या हुआ और उसे क्या था, उन गलत हरकतों पर उन्हें घमंड था, तो रावण जिससे घमंड था उस पर क्या हुआ, रघुकुल राज अर्थात प्रभु श्री राम ने रावण की जो दृढ़ता थी, जो अहंकार था, जो भाई उन्हें घमंड था, उसको चकनाचूर कर दिया और अर्थात रावण का संभव उन्होंने नष्ट कर दिया। ध्यान रखें,
वारी वाहक, पवन से मतलब होता है पवन, ठीक है, हवा, और वारी का होता है बादल, ध्यान रखना प्रत्येक शब्द पर, यानी के ऊपर शंभु, शंभु यहाँ है लिंगम भगवान शिव से, और रति, रति आपका मतलब सौंदर्य की देवी रति बताई गई है वेदों में, और नाह का मतलब पति, तो रति नाह का मतलब क्या हो गया, किसके, रति के पति, ठीक है, रतिनाथ की बात करें, कामदेव की बात करें, ठीक है, कामदेव को, तो इस प्रकार से देखिए जो पवन होती है वो बादलों के ऊपर अपना अधिकार रखती है, अपना प्रभाव रखती है, कैसे बादल यहाँ से वहां अगर आगे जाते हैं तो किसकी वजह से, वह हवा ही उन्हें खींचती है, इधर से उधर ले जाती है, बारिश में करवाती है, ठीक है। तो देखने वाली बात है कि हवा जो होती है, पवन जो होती है, उसका अधिकार होता है बादलों पर, तो उसी प्रकार से जो भगवान शिव है, भगवान शंभु है, भगवान शिव जो है, महादेव महाराज जो है, उनका क्या है, जो रति नाटा, तो रति के पति कामदेव जी ने उनको, उनका नाश कर दिया था, उन्हें भस्म कर दिया था भगवान शिव ने। तो कहने का मतलब जो भी उच्च कथानक हुए हैं, जो भी प्रसिद्ध हुए अपने भाई किसी भी कर्म में से, उनके ऊपर भी कोई ना कोई रहा है, तो उनका आगे क्या अर्थ निकले देखेंगे, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। जो सहस्त्र भावों पर, आप जानते सहस्त्र भाव के नाम से धरती पे एक क्षत्रिय राजा हुए हैं, और उस राजा ने क्या किया था, जो अपने परशुराम जी है ब्राह्मणपुर के भगवंश के, परशुराम जी के पिता से एक गाय जो है, गैया जो है, उसको जबरदस्ती से छीन लिया गया था, और काफी कास नहीं हो गई उस हिसाब से, जमाने के हिसाब से, एक पौराणिक कथा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस पर क्या हुआ कि इनके परशुराम जी के पिता से उन्होंने गाय को जबरदस्ती छीन लिया है, तो ऐसे में जब झगड़ा होता है तो परशुराम जी को क्रोध आता है, और वो सहस्त्र भाव को गुजरा से हजार गुजरा होता है, इसका अर्थ होता है हजार गुजरा था, बहुत ताकतवर थे वो राजा, लेकिन उनको मौत के घाट उतारे किसने, परशुराम जी। तो जिस प्रकार से सहस्त्र भाव पर का मतलब परशुराम जी ने, तो यहाँ पे पता हूँ परशुराम जी, परशुराम ने जिस प्रकार से सहस्त्र भाव को भाई मौके घाट उतार दिया है, या यूं कहें उनका काम तमाम कर दिया है, तो उसी प्रकार से राम द्विज राज है, यानी कि उसी बात में परशुराम को बात नहीं किया गया, राम परशुराम द्विज राज, यानी कि ब्राह्मण कुल में जन्मे जो परशुराम जी है, उन्होंने सहस्त्र भाव का सर्वनाश कर दिया, उन्हें समाप्त कर दिया। आगे बात करते हैं दावा द्रुम दन दावा, दाता थी मैंने कहा था, या बाटा से मतलब वड़वा के, मतलब समुद्र के पानी में लगने वाले पात को वड़वा के कहते हैं। और आगे बात करें दावा, दावा से ले दावा नल, मैं आपको तीन बताने वाला था, तो दो तो आपकी और एक होती है, तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, ध्यान रखें वड़वा के पानी या समुद्र में लगने वाली आग होती है, दावा से मतलब याद रखें दावा नल, दावा नल होती है कि जो यहाँ पे देखिए की बड़वा के होती, ठीक है, समुद्र की आग देखिए क्या है, दावा, दावा क्योंकि जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं, तो ये समुद्र के पानी की आग, ये जंगल में लगने वाली आग, और एक होती है जठरागिनी, जठरागिन का मतलब जठर, जठर का मतलब पेट होता है, जठरागिन मतलब पेट की आग, तो कहा जाता है हिंदी के माध्यम से कि जो वड़वागिन है समुद्र में लगने वाली आग, उसको भी शांत किया जा सकता है, उसे बुझाया जा सकता है किसी एंकर के कारण, और जो दावनल है जंगल में लगने वाली आग है, इसको भी बुझाया जा सकता है, शांत किया जा सकता है, लेकिन जो जठरागिन है पेट की जो आग है, इसको शांत करते करते मनुष्य से भी शांत हो जाता है, लेकिन ये पूरी नहीं होती, ऐसा कहा जाता था, पेट की कहते ना कि हर व्यक्ति पेट के लिए कुछ भी कर लेता है, सच्चाई का आधार पर बड़े काम करता है, चोरी कहती कुछ भी करता है, तो पेट के लिए करता है, लालच के लिए, तो ये एक उक्ति भी है कि जठरागिन जो है उसके से कुछ करना पड़ता है। तो तीन प्रकार की आगों का आप ध्यान रखें, तो ये वड़वागिन जो पानी की आग है, और दावा नल जो जंगल में लगने वाली आग है, तो ध्यान रखें दावा द्रुम दुन पर, द्रुम दंड होता है, द्रुम दंड ये होता है वृक्षों का, जो की बात करें तो जो बहुत से वृक्ष हैं उनके ऊपर या वृक्षों पर लगने वाली जो आग है वृक्षों को जला खराब कर देती है, तो जिस प्रकार से जंगली जो वृक्ष होते हैं उनमें स्वयं आग लग जाती है, वृक्षों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से चीता मृग झुंड पर, जो चीता होता है वनराज, यानी कि वन में राज करने वाला जो है चीता है, वो मृग यानी हिरण की बात करें तो मृग झुंड पर, तो वो जो हिरणों का झुंड होता है उनके ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है, उनके पीछे दौड़ते उनको मौत की घटना लेता है, मार लेता है, अपना भोजन बन लेता है। तो यहाँ पे देखिए भूषण विकुंड पर, भूषण यहाँ कवि की बात कर रहे हैं, तो भूषण जी विकुंड कौन होते हैं, हाथी होते हैं, ठीक है, तो विकुंड पर जैसे मृग राज है, तो इस प्रकार
संस्कार से जो हाथी होते हैं, तो हाथियों के ऊपर भी किसका मृगराज की बात कर रही है, मृगराज किसको ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे जैसे भाई जो अपने मृग से की बात कर लेंगे उसकी, तो वो हाथियों के झुंड पे दबाव डालता है, उनको अपने आपस में ले लेता है, उन्हें मोह भी खर्च करते हैं, डिप्रेशन करता है। तो आगे तेज तम अंश पर, तेज तेज का मतलब आप समझते हो प्रकाश से लेंगे, तेज तम तम का मतलब अंधेरा, तो तेज तम अंश पर यानी कि जो अंधेरा होता है अंधेरे के ऊपर किसका प्रभाव होता है या अंधेरा किसके दिल देता है, हम कहेंगे कि जो सूर्य की तेज किरणें होते हैं, तेज प्रकाश होता है, वो अधिकार जमाता है किसपे, अंधेरे उसके भाग हिस्से पर कान है, जिस प्रकार से अंधेरे पे प्रकाश है वो बड़ा प्रभाव रखता है, उसी प्रकार से कान है भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, जिमी कंस पर, कंस का आपने नाम भली बात सुना होगा देखा होगा, जो कंस से भविष्यवाणी के माध्यम से पता चलता है कि कंस की ही जो बहन है, इसके बाद हम देखिए करते हैं, तो उनकी जो बहन है उन्हीं की आठवीं जो संतान होगी वो भी कंस का काल होगी, ऐसी भविष्यवाणी हो जाती है, कंस की बहन की शादी होके और जब वो उसे विदा कर रहे होते हैं उसी समय एक भविष्यवाणी होती, पहले होती थी आकाशवाणी वगैरह जो आवाज आती है उस तरह से, तो ये एक संदेश हमको भाई ऐसा हो सकता है, तो ऐसे में उन्होंने किया अपने दीदी और रिजा जी को उसी समय जेल में डाल दिया था, आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से भी कहीं सुना पड़ा होगा, तो कंस जो है वो इनकी सात संतानों को समाप्त कर देता है, लेकिन आठवीं जो संतान है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं होते हैं और वो क्या करते हैं कि उनका भाई वध करते हैं, नाश करते हैं, तो जिस प्रकार से अंधेरे पर सूर्य के प्रकाश का प्रभाव रहता है उसी प्रकार से जो कंस है उसको भगवान श्री कृष्ण ने मौत करता दिया, उनका भी काम तमाम कर दिया। आगे बात करें हम इतों मलेच्छ, मलेच्छ का मात्र मुगनों से, ठीक है वही तो है, ये जो सारी बातें थी जो क्या थी कि तुम्हें कथानक की बात कर रहे थे, ठीक है कि बहुत बड़े उपमान जो होते हैं उपमेय उपमान की बात करते हैं, तो बड़ी चीज से उपमान कहते हैं छोटे को उपमेय से, ठीक है तो बात करें कि आपके उपमान अलंकार की बात चल रही है, तो ये तो सारे एक प्रसिद्धि में कहे गए प्रतिमान थे, तो यहां तक तो ठीक है, अब यहां क्या करें क्यों, उसी प्रकार से मलेच्छ का मतलब मुगलों की बात कर रहे हैं, वंश अर्थात मुगलों का जो वंश जहां जहां उनका अधिकार था अधिकृत था जहां फैले हुए थे, वंश पर शेर शिवराज है, शेर का मतलब सिंह की बात कर ले शेर की बात कर ले, और वो शेर होता है यहाँ पे शेर से मतलब है शेर की तरह जैसे उसकी कंपनी चार होती है, रोग होता है दहाड़ होती है, तो ठीक उसी प्रकार से कि भारत की बात करिए संसार में जहां जहां भी यूं कहे कि मुगलों का आधिपत्य रहा है वहां वहां उनके ऊपर उनके वंश के ऊपर जो सिंह की भांति रोग रखने वाले महाराज शिवाजी ने उनके ऊपर आधिपत्य रखा है, उनके अपना प्रभाव में रखा है और उनका सर्वनाश करने का जिम्मा उन्होंने उठाया था, तो ये क्या है कि कथानक शैली में था, प्रतीक यानी कहने का मतलब है प्रतीक बताया गया था कि तो शिवाजी महाराज वो किसके समान है, तो ये जितने भी उपमान हमने पढ़े हैं, ठीक है तो एक बार शॉर्ट में मैं आपको पुनः उनको बारीक समझा रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक समझ लेना, ये 2019 में आ चुका है ये अपना बोर्ड में और उसके अब 21 में पुनः वापस आ सकता है, इम्पोर्टेंट है इसे वापस सुन लीजिए कि जिस प्रकार से भगवान जो इंद्र है उन्होंने जम्बासुर राक्षस पर आधिपत्य में रखा प्रभाव में रखा था उनका, यानी कि जम्बासुर का सर्वनाश किसने किया, भगवान इंद्र ने किया, ठीक है उसी प्रकार से जैसे जो वर्वागिन होती है समुद्र की आग होती है वो पूरे जो आसपास का पानी है उसे जलाकर राख कर देती है, सोख लेती है, नष्ट कर देती है, ठीक है उस प्रकार से किया, जिस प्रकार से जो घमंडी रावण था उसकी जो वही गलत करते थे रावण को ज्ञानी विद्वान भी कहा गया है, लेकिन उनकी कुछ कमियां थी उनकी वजह से उनके अहंकार आ गया, उस अहंकार को मिटाने के लिए उसे सच्चाई का सामना करने के लिए भगवान श्री राम ने उनको भाई उनका वध कर दिया, उनको मौत हटा दिया, उसके बाद करें कि जिस प्रकार से हवा होती है वो बादलों पर अपना प्रभाव बनाए रखती है और जो रति के पति मतलब कामदेव जी है उनको भगवान शिव ने भस्म कर दिया था नाश कर दिया था, और जिस प्रकार से परशुराम जी ब्राह्मण कुल में जन्मे परशुराम जी ने अपने पिता के युद्ध का या पिता की बिस्ती का बदला लेने के लिए सहज प्रभाव की भुजाओं काट दिया था, उन्हें मौत घाट कर दिया था, उसी प्रकार से बात करें तो आगे देखें कि दवादरुण के जिस प्रकार से वृक्ष होते हैं तो वृक्षों में क्या होता है कि जंगल में लगने वाली जो दवानल होती है वो जंगलों के वृक्षों को जलाकर
चीता होता है वो हिरणों के झुंड पर प्रभाव जमा करके प्रभाव डालकर उन्हें नाश कर देता है, निकाल जाता है। उसी प्रकार जैसे भूषण जी कहते हैं कि जो हाथियों के झुंड में मृगराज का मृगराज चीता की बात कर ले, सिंह की बात कर ले, तो मिथुन हाथियों के ऊपर भी उनका मृगराज का हाथ रहता है, प्रभाव रहता है। उस जिस प्रकार से अंधेरे के ऊपर अंधेरे के ऊपर प्रकाश अपना प्रभाव में रखता है, अपने अधीन रखता है, कि जब प्रकाश आता है तो अंधेरा गायब हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, वो मिट जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान श्री कृष्ण ने राय का प्रति जो कंस है उसका नाश करके उसे समाप्त कर दिया, उसी प्रकार से जहां जहां पर भी जैसे भारत की जो भूमि है इसकी बात करें कि जो भी मुगल जो थे उन जिनका मुगलों का जहां भी अधिपत्य रहा है, जहां भी उनका शासन रहा है, वहां वहां तक उनके वंश तक जा करके सिंह की भांति, शेर की भांति, मृगराज की भांति कौन महाराज शिवाजी ने इनके ऊपर प्रभाव जमाया है और इनको अपनी वीरता का कमरों से दूर करने का प्रयास किया और जहां भी उनका राज था उस राज को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। कि यहाँ पे उपमा अलंकार का ध्यान रखना है, मानवीय अलंकार का भी ध्यान रखना, मानवीय अलंकार भी यहाँ पे मैं सॉरी उपमा अलंकार भी है। ठीक है, और ओज मुल्क इसमें प्रदान कर रही है और रस कौन से वीर रस है, तो मैंने आपको बातों बातों में विशेष भी बताया है, शुरुआत में भी बता दिया था। ठीक है, उसका अर्थ भी बता चुका हूँ। तो प्यारे छात्र छात्राओं, मेरी आशा है, उम्मीद है कि ये जो चौथा नंबर का पद था आपके समझ में आया होगा। तो एक बार इसे पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए और भली बात इसको सीरियसली पढ़ करके इसका कॉपी में नोट कर लें और याद भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं पांचवें पद कवित्व में। ठीक है, तब तक के लिए आप देखते रहे, नोट करते रहे।